दोस्तों, भूमि अम्ला का प्रयोग आपने पीलिया को दूर करने के लिए तो सुना होगा, लेकिन दोस्तों इस जड़ी बूटी का प्रयोग बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के काम आता है। सबसे पहले अगर आपको न्यूरोफाइब्रोमा की प्रॉब्लम है तो न्यूरोफाइब्रोमा में इसका रस पीने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा आंतों की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी की तासीर की प्रॉब्लम है। हमारी तासीर बिगड़ चुकी है, लीवर में गर्मी बढ़ चुकी है, आंतों में गर्मी बढ़ चुकी है। भूमि आंवला लीवर फंक्शन को परफेक्ट करता है, शरीर की गर्मी को भी कम करता है और लीवर को रिपेयर करके लीवर का फंक्शन को बहुत अच्छा कर देता है। तो न्यूरोफाइब्रोमा में आप भूमि आंवला का प्रयोग, उसकी ताजी पत्तियों का सेवन कभी कभी करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन न्यूरोफाइब्रोमा की दवा के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका अकेला प्रयोग करने से आप ठीक कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक करने के लिए लीवर की दवा के साथ साथ स्किन की दवा, इन्फेक्शन की दवा और ट्यूमर की दवा भी साथ में लगानी होती है। ये एक सपोर्टेड दवा आपके लिए हो सकती है। न्यूरोफाइब्रोमा के साथ साथ अगर आपके लीवर में सूजन है, किडनी में सूजन है, आपके यूरिन में जलन होता है, तो इसको आप मिश्री के साथ, अगर इसके रस को मिश्री के साथ पीते हैं तो यूरिन में जो जलन हो रही है या किडनी में सूजन है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके रस के साथ मिश्री मिला लें आप, उसमें प्रयोग करें तो आंखों की रोशनी में भी फायदा होता है। अगर आंतों में आपको अल्सर है तो गुलकंद के साथ अगर इसका रस पीते हैं तो आपके आंतों में अल्सर जो हो गया है वो रिपेयर भी होने लगते हैं और आंतों की जो सूजन है उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। ये दोस्तों शुगर के लिए भी बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि लीवर के साथ साथ पैनक्रियास को, गॉल ब्लैडर को भी रिपेयर करता है। अगर आप इसका प्रयोग त्रिफला के साथ करते हैं तो शुगर की बीमारी में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो भूमि आंवला का प्रयोग अंदर के अंदरूनी जितने भी ऑर्गन हैं उनकी सूजन कम करने के लिए, उनके फंक्शन को अच्छा करने के लिए और आपके बॉडी के हार्मोन्स को ठीक करने के लिए यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके ताजे पत्तों का प्रयोग करना चाहिए और यह दवा सर्दियों में ज्यादा उगती है, बरसात के बाद भी उगती है, सर्दियों तक रहती है। तो इसकी पत्तियों को सुखाकर आप रख के इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। और कहीं की भी सूजन हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, लीवर के पीलिया के साथ साथ लीवर की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जलोदर रोग हो गया हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया हो, लीवर में कोई गांठ हो गई हो, तो भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं।